उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की प्रथम बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के असंगठित मजदूरों का डेटाबेस तैयार करें ताकि उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देकर सशक्त किया जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ई श्रम पोर्टल का प्रचार करके असंगठित मजदूरों का पंजीकरण करवाने का भी आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 2,66,000 असंगठित मजदूरों द्वारा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है, जबकि शेष मजदूरों को भी पंजीकरण करवाने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। पहली बैठक थी जिसके अंदर तमाम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को रजिस्ट्रेशन की ओर ले जाने के लिए जो केंद्र और प्रदेश ने मिलकर ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करी है, उसको कैसे आगे ले जाया जाए इस पे चर्चा हुई और ये टारगेट लिया है कि दिसंबर के अंत तक तमाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए वर्कर्स को हम रजिस्टर कराने का काम करेंगे, जिसके अंदर एडीसी नोडल अधिकारी होंगे और उनके साथ लेबर डिपार्टमेंट के चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे डिप्टी लेबर कमिश्नर हो, चाहे एएलसीज हो, एडीज हो, वो फिर मेंबर सेक्रेटरी रहते हुए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे।